क्लाइमेट न्यूज पर ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में कौशाम्बी कोकराज पुलिस ने लूटपाट चोरी व हत्या करने वाले गिरोह के 5 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। थाना कोकराज पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सकाड़ा तिराहे पर पुलिस मुठभेड़ में सुबह 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक वेन्यू कार जिस पर कूड़रचित नंबर प्लेट लगा हुआ था, जिनकी जामा तलाशी से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा 40,000 रुपए नकद बरामद हुआ। अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की गई। चोर गिरफ्तार हुए हैं, क्या मामला है? थाना कोकराज क्षेत्र में हाईवे पे कई चोरी की घटनाएं, एक आध लूट और मर्डर की घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। इसमें आज 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो MP धार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पास से अंगूठी, 40,000 रुपये नकद, इनकी एक फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई कार और मोबाइल, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं, जिस आधार पर इनको जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने 1.5 साल पहले करीब एक पिकअप की लूट करी थी और एक व्यक्ति को मार के फेंक दिया था, और ये संडीला की तरफ जब जा रहे थे तो इनको GPS लगा हुआ था, पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस ने जब ट्रैक कराना शुरू किया तो उसको छोड़ के भाग गए थे। उस घटना का भी खुलासा इसमें हुआ है। तो सर क्या ये भी हुई क्या? हाँ, पुलिस मुठभेड़ में ये पकड़े गए।